तो आज की जो विजुअल बेसिक की प्रैक्टिकल की क्लास है उसमें हम असाइनमेंट नंबर 19 करने वाले हैं, जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट प्रिंट एंड फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन एलिमेंट ऑफ फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिकर्शन को छोड़ देते हैं। रिकर्शन एक अलग कंसेप्ट हो जाता है जिसमें फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। हम यहाँ पे लूप का यूज करके पहले फिबोनाची सीरीज जनरेट कर लेंगे, फिर उसको रिकर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात ये उठती है कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। सबसे पहले हम इस टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। उसके पहले हम ये देखेंगे कि सीरीज क्या होती है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमको देखना है कि सीरीज क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, इसमें क्या खासियत है, और फिबोनाची सीरीज के एंड टर्म को ऐड करने के लिए हम लूप कैसे चलाएंगे, और उस लूप को बाद में इस रिकर्शन से रिप्लेस किया जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं सीरीज क्या होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सीरीज नंबर्स का एक सीक्वेंस होती है। तो एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से आपको बोलता हूँ कि ये 1 2 3 4 5 6, ये एक सीरीज आपके सामने दिख रही है, और ये एक सीरीज है। मैं यहाँ पर बोलूँगा 2 4 6 8 10 और 12, ये भी एक सीरीज है। मैं बोलूँगा यहाँ पर 12 10 6 8, सॉरी यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो गया, 8 6 होगा, 8 6 4 2, ये भी एक सीरीज है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि 1 1 2 3 5 8, या हम बात करें 3 5 8 13 21 और 34, या हम बात करें 1 1 1 3 5 9, तो यहाँ पर अगर जनरल तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर कई लोगों को देखते साथ ही अगर पूछा जाए कि ये जो सीरीज है कि नहीं, तो वो बोलेंगे यस ये सीरीज है, यस ये कई लोग इसको सीरीज नहीं भी बोलेंगे क्योंकि ये बीच में गैप हो रहा है, फिर भी कुछ लोग इसको सीरीज बोल सकते हैं, ये भी सीरीज है जो कि रिवर्स ऑर्डर में है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये भी एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज है, और ये भी एक सीरीज है। सबसे पहले सीरीज का मीनिंग समझते हैं कि हम किसको सीरीज बोलेंगे, और जहाँ भी सीरीज होती है वहाँ पर हम लूप का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फॉर हो, वाइल हो, डू वाइल हो, या रिकर्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो सीरीज का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो सीरीज का जो बेसिक कंसेप्ट होता है कि सीरीज एक्चुअल में एक फॉर्मूला होती है। जैसे मैं बोलूं कि ये एक सीरीज है, यानी कि यहाँ पर एक फार्मूला लगा हुआ है प्लस वन का, यानी कि अगर आपके पास वो सीरीज का फार्मूला है, जैसे मैं यहाँ पे प्लस वन लिख देता हूँ, अगर आपके पास ये सीरीज का फार्मूला है तो सबसे लास्ट एलिमेंट पे ये फार्मूला आप लगा के अगर आप नेक्स्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं और वो सही एलिमेंट है तो ये एक सीरीज है। यानी कि अगर आपको मैं इस सीरीज का फॉर्मूला बता दूं, जैसे इस सीरीज का फॉर्मूला जो सबसे पहली वाली सीरीज है इसका फॉर्मूला है +1, यानी कि लास्ट एलिमेंट पे आप +1 करिए तो अगला एलिमेंट निकल जाएगा, फिर वो लास्ट एलिमेंट बन जाएगा, फिर +1 करिए अगला एलिमेंट निकल जाएगा, और ये जो सिक्वेंस है वो चलता जाएगा, कोई एंड नहीं है उसका। वैसे ही यहाँ पर मैं बोलूँ तो इस सीरीज का जो फॉर्मूला है वो है +2, लास्ट एलिमेंट पे आप +2 करिए तो आपको नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं तो ये एक सीरीज है। वैसे ही यहाँ पर मैं बोलूँ तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है -2, लास्ट एलिमेंट पर आप माइनस करिए तो ये आपको अगला एलिमेंट निकाल देगा, फिर -2 करेंगे तो फिर -2 आएगा, -4 आएगा, इस तरीके से आउटपुट आते रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं इसके बारे में।
यहां पर क्या फॉर्मूला है? तो यहां पर फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू ए प्लस, सॉरी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जहां पर ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है, बी जो है वो सेकंड एलिमेंट है, और थर्ड जो है सी जो है वो थर्ड एलिमेंट है। तो बोलने का मतलब है कि इस सीरीज में एक फॉर्मूला लगा हुआ है, इसका फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं, इसको सेकंड मानूं, तो थर्ड एलिमेंट क्या होगा? इन दोनों का सम होगा, यानी कि अगला एलिमेंट होगा 13। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट एलिमेंट निकल जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि वन वन को ऐड करने पर आया टू, फिर वन और टू को ऐड करने पर, यानी इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, तो ये सी होगा। वन और टू को ऐड करने पर आया थ्री, फिर टू और थ्री को ऐड करने पर आया फाइव, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा, कोई लिमिट नहीं है। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, जितना आगे बढ़ाना है बढ़ाते रहिए। बात करते हैं इस सीरीज की, तो इस सीरीज में भी सेम फॉर्मूला लगा हुआ है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर है? क्योंकि आप तीन और पाँच को जोड़ेंगे तो आठ आएगा, पाँच और आठ को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और इस तरीके से अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो यहाँ पर आएगा 55। तो इस सीरीज में और इस सीरीज में सेम फार्मूला लगा हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये एक सीरीज है लेकिन यहाँ पे फार्मूला क्या है? डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ पर फार्मूला चेंज हो गया है, तीन नंबर है, इन तीनों को जोड़िए तो आएगा 3, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 9, और अगला एलिमेंट होने वाला है आपका 17। तो ये भी एक सीरीज है। तो आप देखेंगे सीरीज कुछ भी नहीं होती, एक फॉर्मूला मात्र होती है, और फॉर्मूला का ना तो कोई और होता है ना तो छोर होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है। इसको बोलते हैं प्लस इनफाइनाइट और ये होता है माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है? इस माइनस इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे जीरो आता है, और हम सीरीज का एक छोटा सा हिस्सा कट करते हैं और इसको हम यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 1 से लेके 7 तक का सीरीज जो है वो कट किया है, और ये किसी का रोल नंबर हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सीरीज होती है ना, तो उसका कोई और होता है ना तो छोर होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वो फॉर्मूला कंटिन्यूसली चलता रहता है। आप इसका कोई लास्ट, सीरीज का कोई लास्ट एलिमेंट नहीं निकाल सकते और ना ही कोई फर्स्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं। बस सीरीज का बीच का हिस्सा जो है वो हम कट करते हैं, और इसी के लिए हम लूप लगाते हैं। यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलता है। तो हम लूप में स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं और एंडिंग पॉइंट बताते हैं, और वो फॉर्मूला जिसको हम गैप का नाम देते हैं वो बताते हैं। तो इतना हिस्सा सीरीज में जनरेट हो जाता है, जो कि 1 2 3 4 7 होता है। इस सीरीज को हम बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो सीरीज का स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ ले या फिर सीरीज के एंडिंग पॉइंट तक पहुंच पाए। इनफाइनाइट जाती है सीरीज। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों ही सीरीज में सेम फार्मूला लगा हुआ है। कैसे? ये दोनों ही सीरीज है, ये भी सीरीज है और ये भी सीरीज है। अब मैं यहाँ पर कुछ और सीरीज, एक और सीरीज लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5 6 7 8 9 10, तो ये भी सीरीज जो है ये भी एक सीरीज है, क्योंकि इसमें भी जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो है प्लस वन का। क्लियर है? प्लस वन का फॉर्मूला है, यानी कि इस पे अगला जो नंबर होगा 10 पे प्लस वन करेंगे तो 11 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे कि अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से सीरीज को नाम दिया जाता है। ऐसी सीरीज जिसमें प्लस वन का फार्मूला होता है, इसको हम नेचुरल नंबर की सीरीज बोलते हैं, जो हम अपनी रियल लाइफ में कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए, कुछ मेंटेन करने के लिए, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए इन सीरीज का यूज करते हैं, जो जनरली हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? लेकिन ये भी एक नेचुरल नंबर की ही सीरीज है, भले इसकी स्टार्टिंग पॉइंट 1 नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सीरीज का कोई ना तो और होता है ना तो छोर होता है। तो जो पहली ये वाली जो सीरीज है उसका वो यहाँ से यहाँ तक काटी गई है, और ये वाला जो सीरीज है वो इसी फॉर्मूले से यहाँ तक काटी गई है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो ये सीरीज है, और ये वाला जो हिस्सा है वो ये सीरीज है, लेकिन है दोनों ही नेचुरल नंबर की सीरीज। देखने में अलग लग रही है लेकिन दोनों ही नेचुरल नंबर की सीरीज कहलाएंगी, क्योंकि दोनों में सेम फॉर्मूला लगा है। बात करते हैं अभी इस फॉर्मूले की।
जिस सीरीज में ये फॉर्मूला लगा होता है उसको एक नाम दिया गया है, फिबोनाची सीरीज। तो यहाँ पर ये भी फिबोनाची सीरीज है, ये भी फिबोनाची सीरीज है, कोई और फिबोनाची सीरीज भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ 1 और 5, तो अगला एलिमेंट होगा 6, अगला होगा 11, अगला होगा 17। ये भी एक फिबोनाची सीरीज है, ये भी एक फिबोनाची सीरीज है, ये भी एक फिबोनाची सीरीज है। तो पहला टर्म हम देखें कि सीरीज क्या होती है। सीरीज कुछ भी नहीं होती, एक फॉर्मूला होता है और उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता करके हम उसका एक छोटा सा पार्ट कट करके अपनी रियल लाइफ में, कैलकुलेशन में या किसी और मैथमेटिकल ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। बात करते हैं फॉर्मूले की, अलग अलग फॉर्मूले। जैसे फिबोनाची ने इनको डेवलप किया था तो उनके नाम से इस सीरीज को रख दिया गया, फिबोनाची सीरीज। ऐसा कोई भी नंबर का सीक्वेंस जिसमें थर्ड नंबर जो है वो ऊपर के दो नंबर का सम होता है उसको फिबोनाची सीरीज बोलेंगे, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, केवल हमको उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो ये दोनों ही फिबोनाची सीरीज है। अब बात करते हैं इस सीरीज की। ऐसा कोई सीरीज अगर आपको मिलता है जिसमें कि फोर्थ नंबर ऊपर के तीन नंबर का सम है तो इसको लुकास सीरीज बोलते हैं। इसको लुकास ने डेवलप किया था और इस सीरीज का नाम उनके नाम से रखा गया है। तो फॉर्मूले के हिसाब से अलग अलग सीरीज बनाती है। जैसे आपने देखा होगा साइन सीरीज, कॉस सीरीज, टेन सीरीज और भी सीरीज होती हैं। साइन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से वेव फॉर्म में जाता है, कॉस सीरीज जो होती है वो रिवर्स वेव फॉर्म पे जाती है। तो इस तरीके के आपके जो भी सिग्नल्स मेंटेनेंस का काम होता है वो इसी सीरीज की वजह से होता है। अब इन सीरीज का यूज़ होता है बहुत सारे मैथमेटिकल, कंप्यूटर ग्राफिक्स और कंप्यूटर के बहुत सारे सिग्नलिंग में यूज़ किया जाता है इन कैलकुलेशंस को। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फिबोनाची सीरीज का, जब आप कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स में कोई रंगोली की डिज़ाइन बनाते हैं या फिर सूरजमुखी की कोई फ्लावर बनाते हैं या क्लिप आर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो सूरजमुखी के जो बीज होते हैं जिनका अरेंजमेंट होता है, आप देखेंगे कि बीज जो हैं इस तरीके से बढ़ते क्रम में दिखाई देते हैं। तो ये जो क्रम होता है, सिक्वेंस, ये जो सिक्वेंस है ये फिबोनाची सीरीज को फॉलो करता है। यानी कि जो सूरजमुखी का जो पहला सर्कल होता है जिसमें बीज लगे होते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ ये वाली सीरीज का, तो अगर पहले सर्कल में 3 बीज हैं तो सेकंड सर्कल में कितने बीज होंगे उसमें? 5। थर्ड सर्कल में कितने होंगे? 8। फिर अगले सर्कल में 13। और इस तरीके से सूरजमुखी के जो बीज होते हैं वो फिबोनाची सीरीज को फॉलो करते हुए अरेंज किए होते हैं। और आप उनकी अरेंजमेंट देखेंगे तो इतनी अट्रैक्टिव लगती है उनकी अरेंजमेंट, जो सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि खाली बीज जो जो है वो फूल की सुंदरता को इतना अधिक बढ़ा देते हैं। फूल की सुंदरता को अधिक बढ़ाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल रीजन है, वो है फिबोनाची संख्या। फिबोनाची सीरीज की संख्या के हिसाब से उनके बीज जो है वो अरेंज होते हैं और वो बहुत ही अच्छा लुक उस फ्लावर को देते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर में अगर आपको सूरजमुखी का फूल ड्रॉ करना है तो आप एक लूप चलाइए, फिबोनाची सीरीज बनाइए और बीज का पैटर्न बनाइए, तो आपको ऑटोमेटिक सूरजमुखी का फूल जो है कंप्यूटर जनरेट करके दे देगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अभी हमको पता चल गया कि सीरीज क्या होती है, सीरीज का स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट लगा के, फॉर्मूला लगा के हम उस पैटर्न को जनरेट कर लेते हैं। हर सीरीज में एक फॉर्मूला लगा होता है जिसको लास्ट एलिमेंट पे लगा के हम अगला एलिमेंट निकाल लेते हैं, और जिस सीरीज में ये फॉर्मूला लगा होता है उसको फिबोनाची सीरीज कहा जाता है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमने सीरीज जान लिया, हमने फिबोनाची सीरीज को जान लिया, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि फिबोनाची सीरीज में से फर्स्ट एन एलिमेंट को सम करिए। यानी कि अगर मैं एन एलिमेंट बोला है मतलब 5, 6, 3, 2 जितने भी एलिमेंट आपको करना है उतने कर लीजिए। तो मैं ये वाली सीरीज लेता हूँ और एन की जगह मैं ले लेता हूँ 5, तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों का सम निकालूंगा मैं। जो सम होगा वो इनका सम होगा 50, तो 50 जो है मेरा आंसर होगा, जहाँ पर n की वैल्यू मेरी क्या है 5। अगर n की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना सम, इतने का सम आएगा। तो n की वैल्यू हमको यूजर डिफाइंड रखनी है, यूजर से पूछना है कि n की वैल्यू कितनी होगी। यूजर बोलेगा 4 तो इसको सम करेंगे, यूजर बोलेगा 5 तो इतने को करेंगे, 6 बोलेगा तो इतने को करेंगे, 7 बोलेगा तो इतने को करेंगे। सबसे पहले हम इस फिबोनाची सीरीज को जनरेट करते हैं, तब तो सम निकालेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, मैं जानबूझ के ये वाली फिबोनाची सीरीज ले रहा हूँ।
जिसमें हमको पता चले कि ये कोई भी फिबोनाची सीरीज हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है 3, तो फिबोनाची सीरीज जो ऐसी सीरीज होती है जिसके स्टार्टिंग में 2 पॉइंट होते हैं, 3 और 5। जैसे हर सीरीज में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 होता है, 5 से स्टार्ट करो 20 तक जाओ, 9 से स्टार्ट करो 19 तक जाओ। लेकिन फिबोनाची सीरीज में स्टार्टिंग में 2 नंबर देने होते हैं और वो यूजर डिफाइंड होते हैं, कुछ भी हो सकता है, 3, 5, 9, 20, 18, 70, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं स्टार्टिंग में 2 नंबर दिया 3 और 70, तो फिबोनाची क्या होगी? नेक्स्ट नंबर होगा 73, फिर क्या होगा? इन दोनों को सम करेंगे 143। तो ये भी एक फिबोनाची सीरीज है। स्टार्टिंग के 2 नंबर क्या होंगे हम प्रोग्राम को नहीं पता होता है, यूजर बताता है क्या होगा। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं 3 और 5, तो 2 नंबर जो है वो 3 और 5 है। और एंडिंग पॉइंट हम ले सकते हैं यहाँ पर, कि एंडिंग पॉइंट हमको क्या करना है, हम टर्म्स में लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो जितने भी टर्म्स हम लेंगे उसका +2 हो जाएगा, यानी 7 टर्म्स हो जाएगा। तो जितना भी टर्म हम लेते हैं उसको n-2 करेंगे हम। आपको पता चल गया n-2 क्यों कर रहे हैं, और फॉर्मूला हमारा ये है, क्लियर है? चलिए अपना प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ और इसका नाम रखते हैं हम लोग सम। और सिंपल यहाँ पर कोड करेंगे हम लोग। सबसे पहले लेंगे डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर और डिम सी एज इंटीजर। ए बी सी इसलिए लिए क्योंकि इस फिबोनाची सीरीज में सी इज इक्वल टू ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अब ए की वैल्यू मैंने दिया 3, बी की वैल्यू लिया 5। 3 और 5 कहाँ से आया? यूजर डिफाइंड है। आपका मन करता है तो 1 और 2 रखिए, 1 1 रखिए, 1 और 70 रखिए, 70 और 90 रखिए, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने 3 और 5 लिया क्योंकि 3 5 से भी फिबोनाची सीरीज जनरेट होगी, क्लियर है? और पहला जो 2 नंबर होता है उसको हम कैलकुलेशन में नहीं लगते हैं, इसलिए प्रिंट ए और प्रिंट बी कर लेते हैं। अब यूजर से हम पूछते हैं कि आप टर्म्स बताइए कितने टर्म्स में चाहिए, तो हम यहाँ पर इनपुट बॉक्स का यूज कर लेते हैं। या एंटर एन लिख देते हैं, एन की वैल्यू यहाँ पर हमको यूज करनी है। यहाँ पर जो भी आप वैल्यू जाएगी वो एन में चले जाएगी। यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, डिम इंटीजर। यहाँ पर अब ब्रैकेट लगाना जरूरी है, वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो हमने एन में जो भी वैल्यू ली है लूप उतने से -2 बार चलेगा। लूप चलाते हैं फॉर आई इक्वल टू 1 टू n-2। आपको यहाँ पर पता है कि n-2 क्यों लिखे हैं हम, क्योंकि वो बोलेगा मुझे 7 बार चाहिए, 7 टर्म चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको 1 2 3 4 5 6 7 चाहिए। लेकिन शुरू के जो 2 टर्म है वो तो यूजर डिफाइंड है, पहले से ही प्रिंट हो चुके हैं। तो अगर 7 बार चलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 7 देने पर 5 ही बार चलाना है क्योंकि 2 तो पहले से ही दिया हुआ है, इसलिए -2 किया गया है। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट सी कर दीजिए। ये पता है आपको कि इसमें क्या किया गया, सबसे पहले इसको ए माना गया, इसको बी माना गया, तो जो सी निकाला गया यहाँ पर, इसको सी निकालने के लिए क्या किया हमने, ए प्लस बी कर दिया। अब देखिए अगर ये ए है और ये बी है तो सी निकल जाएगा। नेक्स्ट लूप में इसको हम ए बना देंगे, इसको बी बना देंगे, तब ये सी निकलेगा। फिर नेक्स्ट लूप में ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा और फिर ये सी निकलेगा। तो जो पहले लूप में ए था, जो बी था वो ए हो जाएगा और जो सी था वो बी हो जाएगा, एक एक खसकाते जाएंगे आगे। तो इसका भी कोड कर देते हैं प्रिंट करने के बाद, ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। जो बी था वो ए हो गया, जो सी था वो बी हो गया। ये हमारा फिबोनाची सीरीज जो है वो जनरेट हो गया, लेकिन अभी तक हम सम नहीं निकाले हैं। देखेंगे यहाँ पे फिबोनाची सीरीज हमारी जनरेट हो गई है, टर्म्स में पूछ रहा हूँ यहाँ पर 7, तो हमारी फिबोनाची सीरीज जो है वो जनरेट हो गई है। 3, 5, 8, 13, 21 और 34 और 55। ठीक है, अब लेकिन इसका सम निकालना है हमको। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं डिम सम इंटीजर, एक सम लिए और इन दोनों का सम तो पहले से ही कर लेंगे हम। ठीक
ठीक है, तो सम इक्वल टू एट, मैंने जानबूझ के एट क्यों किया, क्योंकि शुरू में जो दो नंबर दिए उनको तो सम करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आप सम करते जाइए, प्रिंट करने के बाद आपको लिखना है सम इक्वल टू सम प्लस सी, हर स्टेप में सम करते जाना है आपको, सम इक्वल टू सम प्लस सी, और लास्ट में यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए, लूप खत्म होने के बाद प्रिंट सम इक्वल टू सम। ठीक है, चलिए हमारा प्रोग्राम बन के रेडी है। यहाँ पर मैंने लिया 7 टर्म्स, तो देखिए इनका जो सम है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। इन सब एक फिबोनाची सीरीज जन प्रोग्राम में हमने क्या किया, हमने प्रोग्राम में कंप्यूटर को बोला कि फिबोनाची सीरीज जनरेट करो। फिबोनाची सीरीज का मतलब है C इज इक्वल टू ए प्लस बी फार्मूला वाली सीरीज जनरेट करो। पहले दो नंबर दिए 3 और 5, और उसके बाद 7 टर्म तक जनरेट करने बोला, और हर टर्म को यहाँ पर सम भी करने के लिए बोला। ये हमारा असाइनमेंट नंबर 19 जो था वो हमने भी किया है।